Thank you वालेकुम जी कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव चिकन यखनी पुलाव पंजाबी यखनी पुलाव ये सारे इसके नाम है बहुत अच्छा बनता है बहुत ज़बरदस्त बनता है ये इसके लिए हमें चाहिए दो टमाटर एक प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में हरी मिर्चें और चिकन वन के जी चावलों का मैं आपको बता रही हूँ वन के जी चावलों में आप स, दो से तीन टमाटर डाल लें इजीली डाल जाएंगे और एक से दो प्याज डाल लें और अदरक लहसुन का पेस्ट हरी मिर्चें और चिकन क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी तो हम लोग हरी मिर्चों से ही करेंगे और खड़ा मसाला भी इसमें लाजम डलेगा सबसे पहले आप अपनी सब्जियाँ जो उनको काट लें मैंने सबसे पहले प्याज को काटा है प्याज को काटने के बाद लहसन जो है वो मैंने ग्राइंड करके रखा होता है ऑलरेडी से उसका पेस्ट बना होता है मेरे पास प्याज काटने के बाद मैंने टमाटर काटे हैं टमाटर दाराट को बारीक बारीक काट लें आप टमाटर काटने के बाद हरी मिर्चें काट होंगी और उसके बाद सारा मसाला जब रेडी हो जाएगा तो फिर हम चावल बनाना स्टार्ट करेंगे ये देखें जी सब वेजिटेबल्स सब सब्जियां हमने काट ली हैं सब तैयारी हो चुकी है अब हम लेंगे अपना पैन जिसमें हमने चावल बनाने हैं उसमें ऑयल डालें ऑयल को गरम करें ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे अपना प्याज प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और पानी का गिलास पास रखना है ताकि ज़रा सा भी आपको लगेगी जलने लगे तो आप फ़ौरन पानी का छींटा लगा सकें प्याज को हम लोगों ने बस लाइट सा ब्राउन कलर देना है ताकि चावल जो हैं वो ज़्यादा हमारे डार्क कलर के ना बने प्याज की वजह से चावलों का कलर डार्क हो जाता है अगर ये देखें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है मुझे इसी कलर का प्याज चाहिए और चावल भी इसी कलर के बनेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं डार्क कलर के चावल मुझे पसंद नहीं है तो वैसे भी वो जरे जले से लगते हैं जब प्याज आपका हो जाए उसके साथ थोड़ा सा पानी डालने पानी डालने के साथ आप अदरलसन का पेस्ट डाल दें अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें बुनाई पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है चिकन को भी आपने अच्छी तरह इन चीज़ों के साथ भून लेने आप मैंने चिकन डाल दिया चिकन डालने के बाद इसमें हम लोग नमक और खड़ा मसाला डालेंगे खड़ा मसाला भी चिकन के साथ ही अच्छा अच्छी तरह भूनना है हम लोगों ने ताकि उसकी खुशबू हर चीज़ में आए और फिर चावलों में भी उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी आती है अब पहले मैं चिकन को भून रही हूँ अच्छी तरह से जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें आप नमक डालना शुरू करें पहले भी डाल सकते हैं वो आपकी मर्जी है कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है पहले डालें या बाद में डालें लेकिन भूनते भूनते ही नमक डालना पड़ेगा स्टार्ट में डालना ही नहीं कि एंड पे जब भुनाई ख़त्म हो तो आप नमक डाल दें ऐसे भी नहीं करना नमक पहले डाल देते हैं तो नमक जो नमक का फ्लेवर है वो बोटी के अंदर तक जाता है सारी बोटी जो है वो हमें नमकीन फील होती है खड़े मसाले में आपने दो फूल बादन के चार बड़ी इलायचियाँ दो टुकड़े दालचीनी के और साथ में आठ दस से बारह दाने जो हैं आप लोगों ने काली मिर्चों के डाल देने हैं और उसको अच्छी तरह से भून लेने हैं अदरक लहसन प्याज खड़ा मसाला हर चीज़ की अच्छी तरह से मैंने भुनाई की है अब जब सारा कुछ भुन जाएगा तो उसमें सूखा धनिया डाल दें और ज़ीरा पाउडर डाल दें सूखा धनिया के दो टेबल स्पून डलेंगे एक किलो चावल में दो से तीन टेबल स्पून और एक टेबल स्पून बड़ा भर के ज़ीरा का पाउडर डल जाएगा अगर ज़ीरा पाउडर नहीं डाल रहे तो दो टेबल स्पून साबित जीरा जो है वो आप वो डाल दें हर चीज़ भूनने के बाद अब हम ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें इनको भी अच्छी तरह से भून लेंगे और साथ ही हम लोग इसमें दही भी ऐड कर देंगे अच्छी तरह से चीज़ों को भूने हर हाँ, अच्छी तरह से इनकी बुनाई कर चीजों की देखिए मैंने दोबारा से पानी डाला है दोबारा से मैं इसको भून रही हूँ बस जितना अच्छा भूनेंगे आप उतना ही अच्छा टेस्ट लगेगा आप इसको दही डाल दिया दही डाल के थोड़ा सा भूनेंगे और उसके बाद इसमें हम लोग पानी डाल देंगे कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ मैं इसका भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है ये भी आप लोग लाजमी डालिएगा नज़र भी आती है और फ्लेवर भी इसका बहुत मजे का होता है बस लाल मिर्च पाउडर मत डालिएगा या और कुछ बिरयानी मसाला वगैरह भी कुछ लोग पुव में डालते हैं वो मत डालिएगा वो नहीं अच्छा लगता अब देखें हमारा चिकन मसाला हर चीज़ इंतहाई एक्सीलेंट तरीके से भून चुका है अच्छी तरह से जब मसाला और चिकन आपका भून जाए हर चीज़ जिस तरह आपको नज़र आ रही है इस तरह से हो जाए तो फिर आपने इसके बाद इसमें पानी डालना स्टार्ट करना है पानी मैंने डालना था अपने चावलों के हिसाब से छः गिलास लेकिन मैं सात गिलास डाल रही हूँ एक गिलास पानी मैं एक्स्ट्रा डालूंगी ताकि मैंने इसको जो दम पर रख के पकाना है यखनी को निकालना है बूटियाँ गलानी है तो वो काम हो जाए जब आप एक गिलास पानी एक्स्ट्रा डालेंगे तो जब ये मतलब ये मैंने अभी सात गिलास डाल दी हैं आप जब ये उबलना शुरू होगा ना तो इसके ऊपर टकन रख के इसको हम लोग एक घंटे के लिए हल्की बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ देंगे अच्छी तरह यखनी भी निकल आएगी और बोटियाँ भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगी आप लोग ट्राई करें आपको पता चलेगा कि इस तरह करने से बोटियाँ भी कैसे गलती हैं और यखनी का फ्लेवर कितना अच्छा आता है एक घंटे बाद या फोटी फाइव मिनट्स के बाद फोटी फाइव मिनट्स में भी सारा काम हो जाता है आपने देखना है, देखें कितने अच्छे तरीके से बोटियाँ टूटेंगी भी नहीं लेकिन गल जाएंगी और इतनी अच्छी गलेंगी कि वो जो मुँह में घुलने वाली होंगी और ये यखनी निकल रही है जो एक गिलास पानी का मैंने एक्स्ट्रा डाला था वो भी खुश्क हो गया सूख गया वो पक पक के और ये हमारा देखिए कैसे तड़फ रहा है मसाला सारा <laughs> इसको अच्छे से तड़पाना है हमने और अब हम चावल ऐड कर रहे हैं छः गिलास पानी में चावल ऐड करने के बाद इसको भी थोड़ा तड़फने दें और ये देखें अच्छी तरह से हो गया सारा अब इसको हम लोग पकाएंगे जब तक पानी चावलों के अंदर सारा चावल सारा पानी जब तक अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर लेते सबको पता ही है ये स्टेज तो ये देखें पानी हल्का सा वो चावल लंबे हो गए हैं पानी सूखना शुरू हो गया अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर हल्का सा फूड कलर डालेंगे ज़्यादा नहीं डालना बिरयानी वाला और इसको दम लगा देंगे दम लगाने के बाद ये देखें फिफ्टीन मिनट्स का मैंने दम लगाया था उसके बाद माशा इन मज़ेदार चावल तैयार हैं इनको फटाफट से आप लोग स्प्रेड कर लें ताकि ये ढेलें ना बनने चावलों के ये मैं स्प्रेड कर रही हूँ और कलर भी पूरे चावलों में एक जैसा स्प्रेड हो जाएगा और चावल भी खुल जाएंगे ज़रा खिल जाएंगे तो ये जी हमारा यखनी पुलाव जो है वो रेडी है ये आप ट्राई कीजिएगा ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस कदर मज़े का ये बनता है तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़